जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ हो मस्त हो। हम राजस्थान के भूगोल की प्रश्नोत्तरी कर रहे थे और उस प्रश्नोत्तरी के अंदर आज बहुत ही जानदार टॉपिक है गुरुजी। टॉपिक का नाम है राजस्थान की जलवायु। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और प्रश्न एग्जाम में आता है राजस्थान की जलवायु से। आज का जो पहला प्रश्न है, किस ऋतु में मानसून से पूर्व वर्षा होती है? ये जो है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो सेवनीय धाराओं से होती है। सेवनीय धाराओं से ये मानसून से पहले होती है वर्षा। मानसून से पहले किस में होती है? ग्रीष्म ऋतु में। याद रखना बिल्कुल रह जाएगा। पो माह में चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? इत्थे सीली सीली आंदी है हवा। सुना नहीं गाना? हाँ गुरु जी, तो सीली हवा। लू कहते हैं गर्म हवाओं को। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं राजस्थान के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है लू। ठीक है, हाँ गुरु जी, समझ में आ जाएगी बात। बी के बाद आप बात करें पुरवैया। पुरवाई क्या है? बंगाल की खाड़ी से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? पुरवैया। इसके बाद आप जलवायु वेता व्लादिमीर कोपेन कहाँ के निवासी थे? ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? कोपेन, जर्मनी के। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु अनेक भागों में बांटी, वो अपने आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे, देखते रहना। राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान किस जिले में आते हैं? तो झालावाड़ और जयपुर के अंदर सर्वाधिक क्या आते हैं? वज्र तूफान। राजस्थान की लगभग वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है? ये आप सभी जानते हो कि मानसूनी हवाओं से। यानी राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। और दुनिया में भी सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के। और भारत में भी सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी मानसून से। ठीक है, ओके गुरु जी। राजस्थान में सबसे छोटे दिन, राजस्थान का सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो किस रेखा पे होता है? मकर रेखा पे। इसके बाद बात करें अपने 23 दिसंबर, ये इसका उत्तर नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा और 21 जनवरी भी नहीं होगा, तो याद रखोगे 22 दिसंबर। गुरु जी कर्क रेखा पे सूर्य कब होता है? 21 जून को, जिस दिन भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाता है? दिन। तो भारत की सब छोटी रात भी बिजनी होगी, तो गुरु जी भारत को सारों छोटा दिन कब है? 22 दिसंबर में। राज्य की जलवायु मुख्य विशेषता क्या है? राज्य के जलवायु की जो मुख्य विशेषता वो ये है कि तापक्रम में अत्यधिक अंतर दिखाई देता है। आर्द्रता की बहुत कमी है नहीं है, तापक्रम काफी ऊंचा ये भी नहीं है, अधिक मात्रा में वर्षा होती है ये बात गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तापक्रम में अधिक अंतर दिखाई देता है। पश्चिमी विक्षोभ जिनसे शीतकाल में राजस्थान में मावट वर्षा होती है, उसकी उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो है ये कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से होती है। तो इसमें देख लो उत्तर क्या है गुरु जी, इसके अंदर दे रखा है भूमध्य सागर, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? वो है हिंद महासागर। राजस्थान में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो राजस्थान में जो सबसे कम वर्षा का प्रमुख कारण है वो है बंगाल की खाड़ी मानसून की आर्द्रता लगभग समाप्त हो जाना। बिल्कुल देखो, राजस्थान में मानसून आते आते बिल्कुल पहाड़ियों में टकरा के कमी हो जाती है बिल्कुल ही वर्षा की। और इसके बाद बात करें बी पोर्शन, अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून दिशा के समांतर होना। बिल्कुल, अरब सागर से जो हवाएं चलती हैं वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है। अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाओं की आर्द्रता घट जाना, ये भी बात सही है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक रहती है? झालावाड़ जिला जो है उसमें सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा। याद रखना मेरे भाई, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो वो कौन सा रहेगा? माउंट आबू। वो कौन सा रहेगा? माउंट आबू, जो कहाँ है? सिरोही के अंदर। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? तो ये किया है राजस्थान में मरुस्थल के लिए VWHW। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। CWG गुरुजी किसके लिए किया है? CWG किया है पूर्वी मैदान के लिए। किसके लिए? पूर्वी। AW किसके लिए किया गुरुजी? AW जो किया है वो किया है हाड़ौती क्षेत्र के लिए। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से।
राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और अगर प्रश्न पूछा कठों हुआ है तो याद रखिए वो बंगाल की खाड़ी। इसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो ये है जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे शुष्क जलवायु है। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला अगर पूछे एग्जामिनर तो कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर अर्ध शुष्क जलवायु वाला है, बिल्कुल शुष्क कहाँ है? जैसलमेर की। अगर आपसे प्रश्न पूछे सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है तो वो याद रखना झालावाड़ जिला सर्वाधिक आर्द्र जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? अभी मैं बता के गया हूँ बंगाल की खाड़ी के मानसून से। तापक्रम वर्षा एक आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो ये 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। गुरु जी कैसे? देखो जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान को आप ऐसे अनेक भागों में बांट सकते हो। गुरु जी कैसे? ऐसे 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 और ऐसे। देखो एक तो जलवायु होगी यहाँ की बिल्कुल शुष्क, ये वाला एरिया शुष्क, ये हो जाएगा थोड़ा अर्ध शुष्क, ये हो जाएगा उपाद्र, ये हो जाएगा आद्र और ये हो जाएगा अति आद्र। तो 5 प्रकार की राजस्थान में जलवायु देखने को मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ निम्न में से किस जिले में चलती है? कांटा लगा, झपीड़ा लगा, गंगानगर में लगा। गंगानगर में चल रही इसी आंधियाँ। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म व शुष्क स्थान कौन सा है? ये है फलौदी, सबसे फलौदी। और ठंडा जिला पूछे तो मेरे भाई याद रखना चुरू। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? चुरू। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो AW दक्षिणी राजस्थान में अभी बता के गया हूँ, BSHW ये शुष्क में आ जाएगा, BWHW शुष्क मैदान में आ जाएगा, CW उत्तरी में नहीं है, CWG जो है वो पूर्वी मैदान के अंदर है। इसका राइट उत्तर डी हो जाएगा। मावठ वर्षा राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होती है? बीकानेर में। अगर पूछा मावठ वर्षा सर्वाधिक भारत में घटा हुआ है पंजाब में, किस फसल के लिए लाभदायक होता है? रवी के लिए, ये बात याद रखना। राजस्थान में राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपिज जलवायु पाई जाती है? स्टेपिज या मरुद विधि की अगर बात करें तो वो पश्चिमी रेतीले मैदान के अंदर देखने को मिलती है। याद रखना मेरे भाई कहाँ? पश्चिमी रेतीला मैदान। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, थॉर्नबेट वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर के जलवायु दर्शाता है? अभी बताएगा CAW। CAW पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान के अंदर ये शामिल होते हैं। मेरे भाई एक बात याद रखना, मैं जितने आपको प्रश्न करा रहा हूँ ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों कर लो, आपको कोई तकलीफ नहीं दिलाएगा एग्जाम में, मैं दावा कर रहा हूँ। अब थे बस ये देरी है को नहीं हो, क्योंकि देखो स्कूल ब्याह के तमाम प्रश्न ऐड है। राजस्थान में धूलभरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? तो इसका जो राइट उत्तर जगह वो जगह सेवनीय धारा, क्योंकि सेवनीय धारा के ग्रीष्म ऋतु में जब होता है तो सेवनीय धारा में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिणी भारत में होती है, जबकि असम में उसे नॉर्वेस्ट वर्षा बोलते हैं, जबकि राजस्थान में केवल और केवल क्या चलती है? लू, और लू गर्म हवाओं को कहा जाता है। निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो वो है सिरोही। सिरोही जिला वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला पहला जिला है। राजस्थान में संभावित वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में बनी रहती है? तो वो जिला कौन सा है? जैसलमेर। सेकेंड ग्रेड 2018 में प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद कौन सी समवर्ती रेखा राजस्थान को 2 स्पर्श जलवायु भागों में बांटती है? तो ये 50 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। गुरुजी जैसलमेर को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी है? 10 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर जो है वो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। गर्मियों में माउंट आबू तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, कारण क्या है इसका? इसका कारण है कि माउंट आबू में उस तरह की ऊंचाई पर, माउंट आबू जो ऊंचा बसा हुआ ऊंचाई पर अधिक बसा हुआ, इसलिए ये कारण है। पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है? तो पूर्वी राजस्थान की मेरे भाई जलवायु है वो है उपाद्र, अभी बता गया हूँ। पहला शुष्क आओगो, फिर अर्ध शुष्क आओगो, फिर आद्र आओगो, फिर उपाद्र आओगो, फिर अति आद्र आओगो। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में बना रहता है? तो वो जिला हो जाएगा जैसलमेर। न्यूनतम वायुदाब कहाँ होता है? जैसलमेर में। मावठ वर्षा जिससे होती है वह क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है मावठ वर्षा। निम्नलिखित जिलों में राजस्थान में कौन सा BWHW जलवायु प्रदेश में के अंतर्गत आता है? ये आता है जैसलमेर और बीकानेर। ये RS में भी प्रश्न पूछा गया है। जैसलमेर बीकानेर एक जिला कौन सा है? गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो मैं अभी बता गया हूँ चूरू, सबसे गर्म और ठंडा ये जिला है। सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो वो माउंट आबू। और आर्द्र जिला पूछे तो झालावाड़।
सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? कोटा। तापमान मापन यंत्र को क्या कहते हैं? तो तापमान का मापने का जो यंत्र होता है वो कहलाता है थर्मामीटर। रेनोमीटर जो होता है वो वर्षा मापने का यंत्र होता है। राजस्थान में जब सूखे अकाल की स्थिति होती है तब उसे कहते हैं, तो उसे मेरे भाई कहते हैं अनावृष्टि। अनावृष्टि। राजस्थान का न्यूनतम दैनिक व वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डूंगरपुर। डूंगरपुर जो जिला है वो दैनिक और न्यूनतम दैनिक व वार्षिक तापांतर वाला क्या है जिला। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, जिसकी खोज जो की थी वो की थी अल मसूदी ने। किसने की थी? अल मसूदी ने। राजस्थान में स्टेपेज वनस्पति पाई जाती है, अभी बता के गया हूँ, अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर। राजस्थान के किस जिले, राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में 60 से 80 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो होती है? तो वो होगा आर्द्र। शुष्क में गुरुजी कितनी हुआ? 0-20। अर्ध शुष्क में 20-40 और 8 है, सॉरी अर्ध शुष्क में। फिर अरावली के अंदर बात करें फिर भी 60-80-8 आर्द्र में हो जाए, और अति आर्द्र के अंदर हो जाए लगभग मान के चालो थे 80-120। ठीक है मेरे प्रिय भाइयों, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त करते हैं। और ये जो साथी जो भी अभी PDF अपने पढ़ा है ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी टेलीग्राम जो चैनल है अपना वो इस नाम से GK बाय अजय सर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।